मैंने एक संत जी के मुंह से सुना, नर्मदा के तट पर एक महात्मा जी रहा करते थे। आज भी वो महात्मा जी की समाधि नरसिंहपुर, जबलपुर के पास नरसिंहपुर है, नर्मदा के किनारे वो स्थान है, नरसिंहपुर में वो महात्मा जी की समाधि है, नरसिंहपुर के पास कोई स्थान है। वो ऐसे विलक्षण संत थे कि उन्होंने 7 बार नर्मदा जी की परिक्रमा की पैदल। नर्मदा की परिक्रमा सुने हैं आप लोगों ने, मां नर्मदा की भी लोग परिक्रमा करते हैं और नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, और ये बिल्कुल पक्की बात है कि जिस उद्देश्य के लिए आप परिक्रमा करते हैं मां नर्मदा उस उद्देश्य को पूरा करती हैं। वो साधु थे, उन्होंने नर्मदा मैया से कहा, हे नर्मदा मैया मुझे शंकर जी का दर्शन करना है, साक्षात मैं तेरी परिक्रमा लगाऊंगा, बस मुझे कोई चाहत नहीं है। उन्होंने हाथ में जल लेकर कहा, हे नर्मदा मैया मुझे शंकर जी का दर्शन करना है, बस मेरी यही इच्छा है, मैं परिक्रमा लगाऊंगा, मेरी इच्छा पूरी कर देना। ठीक है, उन्होंने परिक्रमा लगाई, एक परिक्रमा पूरी, एक परिक्रमा में 3 वर्ष लगते हैं, एक परिक्रमा में नर्मदा जी की परिक्रमा लगभग 3 वर्ष लगते हैं। और कोई फास्ट चले, फास्ट से फास्ट, अच्छा परिक्रमा कैसी लगानी चाहिए, जैसे लोग वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, आप लोगों ने भी कभी लगाई होगी। परिक्रमा कैसे लगाई जाती है, परिक्रमा लगाने का भी एक नियम होता है। परिक्रमा में चलना कैसे चाहिए, जैसे गर्भवती नारी चलती है। गर्भवती नारी कैसे चलती है, धीरे 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 धीरे। परिक्रमा कैसी लगनी चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, क्योंकि परिक्रमा भगवान की गोद है। गोद में बच्चा कैसे रहता है, आराम से रहेगा, ये थोड़ी कि कचरता रौनता भागे ना। तो परिक्रमा कैसे लगाएं, गर्भवती नारी जैसे चलती है वैसे ही चलना चाहिए। आजकल लोग देखते हैं परिक्रमा बड़े फास्ट लगाते हैं, ठीक है आप कर रहे हैं, ठीक है, पर उसका कोई पाप नहीं है, पर जो नियम है वो मैं बता रहा हूं। नियम है आहिस्ता, एक पांव रखें फिर दूसरा पांव रखें धीरे से, और छोटे छोटे डग, अर्थात छोटा डग जानते हैं, हाँ छोटा डग कम, और हर डग में एक बार राधा कृष्ण राधे कृष्ण, एक डग परिक्रमा लगाने में यदि हमने 10,000 डग रखे, 10,000 कदम रखे, तो 10,000 नाम, हर पग में, पग पग में राधे श्याम राधे श्याम राधे, एक पग रखा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हर क्षण पांव चल रहे हैं तो आपका भगवान का ध्यान भी चलता रहे, चिंतन भी चलता रहे, ऐसे परिक्रमा लगाने का विधान है। तो ऐसी परिक्रमा में, नर्मदा जी की परिक्रमा में लगभग 3 साल 3 महीने और लगभग 13 दिन लगते हैं, तब नर्मदा जी की परिक्रमा पूरी होती है। पर कोई फास्ट चले तो 6 महीने में भी लगा सकता है, 6 महीने में परिक्रमा पूरी हो जाती है मां नर्मदा की। तो आप जैसा चलना चाहें चलें, पर हर शब्द हर पग में भगवान का नाम जरूर हो। अब एक साधु जी थे, वो नर्मदा की परिक्रमा लगाए, पूरी परिक्रमा हो गई, 3 साल की परिक्रमा करी आहिस्ता आहिस्ता से, और उनका संकल्प था कि शंकर जी का दर्शन करना चाहते हैं। पूरी परिक्रमा हो गई, शंकर जी कहीं नजर नहीं आए, तो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दी, फिर 3 साल की परिक्रमा लगाई, फिर कहीं शंकर जी नजर नहीं आए, फिर परिक्रमा स्टार्ट कर दी। रेगुलर उन्होंने परिक्रमा 7 बार लगाई, इक्कीस 22 वर्ष लग गए उनको, लगभग 22 वर्ष के समथिंग कुछ समय गुजर गया, 7 बार परिक्रमा लगाई, अभी तक शंकर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। अब की बार उन्होंने कहा, अब परिक्रमा नहीं लगाऊंगा, अब मैं जल समाधि ले लूंगा। वो संत जी भी बड़े जिद्दी थे, नर्मदा से कहते हैं, मां
तुमसे कहा था कि शंकर जी का दर्शन करा देना, और एक नहीं मैंने 7 परिक्रमा लगाई, मेरी कोई चाहत नहीं है आपसे, केवल दर्शन करना था, आपने नहीं कराया। मन में किसी से नहीं कहा, नर्मदा जी से बात कर रहे हैं, मन से मानसिक बातें। आज उन्होंने संकल्प लिया। अच्छा, वो बड़े संत थे, उनके साथ बहुत सारे संत चलते थे और बहुत जमात थी, उनका एक भंडारी था, दिन रात वो हलवा और पूड़ी और कचौड़ी बनाता था और जितने लोग आए सबको परोसता था, कमी कभी नहीं होती थी। आज साधु जी बोले कि मैं रात्रि के 11 बजे जल समाधि ले लूंगा, मन में ही अपने आप से बोल लिया आज मैं 11 बजे रात्रि को जल समाधि ले लूंगा। जब सब सो गए तो महात्मा जी उठे, नर्मदा जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया और पानी में जाने लगे। अब मैं मर जाऊंगा, अब जी के क्या करना, जब मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो जीना भी किस काम का। तो नर्मदा जी में जाने लगे, जब वो गले तक डूब गए तो माँ भगवती प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। नर्मदा जी प्रत्यक्ष, नर्मदा मैया प्रकट हो गई, और नर्मदा मैया ने प्रकट होकर के कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, माँ, उन्होंने दर्शन किया, नेत्रों से आंसू आए, प्रार्थना की, माँ आपसे कहा था कि हमें शिव जी का दर्शन कराना और आपने तो दर्शन नहीं कराया, अब मैं जी कर क्या करूँगा। तब नर्मदा मैया ने उनके सिर पे हाथ रखा, उन्हें बाहर ले जाकर कहा, बेटा तेरे साथ 1.5 वर्ष से शंकर जी चल रहे हैं साथ में, हाँ जब तुमने पहली परिक्रमा पूरी की थी, तेरी परिक्रमा को जब 1.5 वर्ष हुए थे, पहली फर्स्ट की परिक्रमा को जब परिक्रमा करते करते 1.5 साल तुम्हें बीत गए, तभी तुम्हें शंकर जी मिल गए थे। अच्छा, हमें तो कहीं मिले नहीं, हम तो इंतजार करते रहे। तब माता जी ने कहा, ये जो तुम्हारा रसोईया है, ये जो तुम्हें भोजन बना के देता है, ये कौन है? शंकर जी तुम्हारे रसोईया बन के तुम्हें रोज भोजन करा रहे हैं। अब संत जी की बात समझ में आई कि हमारे पास कुछ होता तो था नहीं, पर जितने लोग आते थे रसोई पूरी हो जाती थी। कभी 1,00,000 आए तो 1,00,000 खाएं, 1,000 आए तो 1,000 ना कमता था। तो शंकर जी तो शंकर जी हैं, अब तो शंकर माँ तो को प्रणाम किया और दौड़े दौड़े गए तो रसोईया कंबल ओढ़े सो रहे हैं। शंकर जी कंबल निकाला, चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा करो, आप हमारी सेवा लगभग 20-21 साल से कर रहे हैं और हम पहचान ना पाए, चरणों में गिर पड़े। रसोईया बोले, प्रभु मैं तो आपका चेला हूँ और ये रसोईया रोज पांव भी दबाता गुरु जी के, अब तो बड़ा अपराध हो गया, चरणों में गिर पड़े। रसोईया बोले, मैं तो रसोईया हूँ, ना ना आप अपना रूप दिखाओ, आप भगवान हो और आप रसोईया बन के हमारे संग काम कर रहे हो। जब पांव पकड़ लिया, कहा हमें नर्मदा माँ ने कहा है, तब शंकर जी को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा और आकर के इनको दर्शन दिया। ये बिल्कुल सच्ची कथाएं हैं, ऐसा हुआ है। तो आपके इर्द गिर्द जो है वही तो भगवान है, हमें शंकर जी का दर्शन करेंगे, ऐसा थोड़ी कभी त्रिशूल लेके आए, गले में सांप लटका के आए तो हम जाने कि ये शंकर जी हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं।